आज की वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत का पूजा विधि, महत्व एवं कथा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो कि बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इसे अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु उनके पांचवें अवतार बावन ऋषि की पूजा की जाती है। यह ऐसी एकादशी है जिनका व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन व्रत करने से पापों का प्रायश्चित किया जाता है, इसलिए इस एकादशी का सर्वाधिक महत्व है। अपरा एकादशी व्रत पूजा विधि। अपरा एकादशी का व्रत करने से लोग पापों से मुक्ति पाकर भव सागर से तर जाते हैं। अपरा एकादशी से एक दिन पूर्व यानी दशमी के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पूजन में तुलसी, चंदन, गंगा जल और हल्का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन छल, कपट, बुराई और झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस दिन चावल खाने की भी मनाही होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी पर जो व्यक्ति भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अपरा एकादशी व्रत का महत्व। पुराणों में अपरा एकादशी का बड़ा महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिलता है। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई के प्रति द्वेष की भावना रखता था। अवसरवादी वज्रध्वज ने एक दिन राजा की हत्या कर दी और उसके शव को जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेत आत्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर इसका पुण्य प्रेत को दे दिया। व्रत के प्रभाव से राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और वह स्वर्ग चला गया। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथा एवं कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।